पर्वत और पठार, किसी को पता है डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बताओ सर। माउंटेन क्या है? हाईली लैंडेड एरिया होता है जो पीक पे होता है, ठीक है। और प्लेटू क्या होता है? मतलब लैंड से ऊपर होता है लेकिन माउंटेन से नीचे होता है, ठीक है। चलो समझते हैं, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये माउंटेन है, माउंटेन है या पर्वत है, ठीक है। और माउंटेन और पर्वत क्या होता है, 900 मीटर से क्या होता है, ऊपर होता है, ज्यादा होता है। तो ऊपर देखो कि जो माउंटेन होते हैं वो ऊपर से कैसे होते हैं, इररेगुलर फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? इररेगुलर फॉर्म में। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, विंड या वाटर कुछ भी ले लो, कि विंड और वाटर की वजह से माउंटेन ना धीरे धीरे कटफट रहे हैं, विदरिंग हो रही है इसमें। क्या हो रही है? विदरिंग या टूटफूट हो रही है। तो उसके बाद माउंटेन के जैसा ही एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं हिल्स। क्या कहते हैं? हिल्स को बोलते हैं पहाड़ी, ठीक है। तो पहाड़ी बेसिकली क्या होता है कि आप कह सकते हो 900 मीटर से लेस देन होता है, 900 मीटर से क्या होता है, लेस देन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है प्लेट्यू का, ठीक है। जैसा उन्होंने बताया कि एकाएक ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है, अर्थ से। तो जो प्लेट्यू जो होता है, ठीक है, वो क्या, इसको हम बोलते हैं पठार। और आप देख रहे हो कि ऊपर से क्या है, ये फ्लैट है, ऊपर से क्या है, ये फ्लैट है। तो ये जो होता है 300 मीटर से 500 मीटर के बीच में होता है। तो कह सकते हो कि 500 से और 900 के बीच में क्या होगा, हिल्स होंगी, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब होता है मैदान। क्या होता है? तो मैदान क्या होता है, 300 मीटर से क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो जहां हम लोग रह रहे हैं इस टाइम, वो सारे का सारा किस पर है, प्लेन पर है। ज्यादा ऊंचे ऊंचे यहाँ पर हिल्स भी नहीं है ना प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये बेसिकली माउंटेन्स और प्लेट्यू को समझने का एक डायग्राम है। क्लियर है इतनी बातें? ये नोट कर लो आप लोग। और आपको ध्यान रखना है इंडिया के रिस्पेक्ट में ना ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। पर अगर हम लोग वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हमारा माउंटेन्स और प्लेट्यू से काम चल जाएगा, ठीक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको ये सारी चीजें पढ़नी होंगी और याद भी रखना है, क्योंकि ये फैक्ट्स इसमें होंगे तो याद रखना है। अब देखो क्या है, माउंटेन्स आपको पता है कि 900 मीटर से ऊपर स्ट्रक्चर हो और ऊपर से क्या हो, इररेगुलर फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। तो बेसिकली जो माउंटेन होते हैं, कौन सा होता है, फोल्ड माउंटेन। माउंटेन्स के टाइप है ये, जिसको हम बोलते हैं वलित पर्वत। दूसरा जो होता है वो होता है ब्लॉक माउंटेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्लॉक या खंड पर्वत। तीसरा जो होता है वो होता है रेजिड्यूअल माउंटेन, जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। ये तीन टाइप के क्या हैं, माउंटेन हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल बेसिकली, ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, फोल्ड माउंटेन के, ब्लॉक के या रेजिडुअल के, यही आपके एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन, ठीक है। चार ऑप्शन में से एक ऐसा होगा। और ज्योग्राफी की एक अच्छी बात यह होती है कि हमें इसमें लिखने की कम और समझने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वो भी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम आसानी से। मैं बात कर रहा हूं फोल्ड माउंटेन की। अगर दो कारें आमने सामने से आए और दोनों में टक्कर लग जाए, ठीक है, तो क्या देखते हो आप? पहला नजारा क्या होता है, जैसे आ रही हैं, उड़ती हैं ना ऊपर, ठीक है, ऊपर उड़ती हैं,
उसी की तरह अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ऐसे मिलाएं तो कोई ना कोई फोल्ड होगा, क्या होगा? फोल्ड। तो बेसिकली आपको पता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्या है कि जो भी सरफेस है अर्थ का वो किस पर है? टेक्टोनिक प्लेट्स पर, ठीक है। तो प्लेटें क्या है? मूव कर रही हैं। प्लेटें क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं, मूवमेंट हो रही है उसमें। तो जब क्या होता है कि दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, किस में टकराती हैं? आपस में टकराती हैं, तो इससे क्या होता है? फोल्ड माउंटेन बनते हैं। क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ठीक है। किससे? प्लेटों के आपस में टकराने से। तो प्लेटों के आपस में टकराने से क्या बन रहा है? फोल्ड माउंटेन। तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फोर्स इन टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेटों में अभिसारी गति के कारण, ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या होता है? कि दोनों साथ में आके टकरा जाएंगे। तो बेसिकली जो फोल्ड माउंटेन होते हैं ये क्या है? न्यू है। क्या है ये? न्यू और यंग है। न्यू यंग समझ रहे हो आप लोग? कि ये रिसेंट में बने हैं। रिसेंट का मतलब ये नहीं कि 10 साल या 100 साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले ही बने थे ये, बट उस फॉर्म में क्या है? ये न्यू है। तो बेसिकली इसमें आपने सुना होगा हिमालय, सुना है ना हिमालय का। उसके बाद आपने सुना होगा आल्प्स, सुना है इसका नाम। आपने सुना होगा रॉकी, आपने सुना होगा एंडीज, नहीं भी सुना होगा, कोई नहीं, नए हैं आपके लिए सारे। हिमालय कहां पर है? एशिया में है। कहां पर है? अभी मैं वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो एशिया में है। आल्प्स कहां पर है? यूरोप में है। रॉकी कहां है? नॉर्थ अमेरिका में है। और एंडीज कहां है? साउथ अमेरिका में है। किसको हंसी आ रही है? तो देखो जो ये हिमालय, हिमालय एशिया में है, और एशिया में कहां पर है? इंडिया के नॉर्थ में फैला हुआ है। तो हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आल्प्स की हाईएस्ट पीक पता है किसी को? नहीं पता। माउंट अलब्रुश कौन सी है? रॉकी की हाईएस्ट पीक पता है? माउंट मैकिनले। उसके बाद एंडीज की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट अंकाका गुआ, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इनके हाईएस्ट पीक भी मैंने साथ में लिख दिए, हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज। और एंडीज जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे जो बड़ी क्या है? माउंटेन रेंज है। अब यहां पर आपको रेंज समझना है। रेंज का मतलब है कि उसमें कई सारे माउंटेन्स हो सकते हैं, कई सारे हिल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? एंडीज है। बेसिकली अगर आप इनको देखोगे तो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है ऐसे फैले हुए हैं, ये रॉकी है, ये एंडीज है, मतलब नॉर्थ टू साउथ फैले हुए हैं ये, ठीक है। कहां पर? बिल्कुल वेस्ट साइड में, ठीक है, इन माउंटेन्स के, सॉरी इन कॉन्टिनेंट के। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका क्या है? उसी तरीके से अगर आप यूरोप बनाओगे इस तरीके से करके कुछ भी, तो यूरोप के पूरा इधर फैला हुआ है ये,
ठीक है, पूरा यहां पर फैला हुआ है और हिमालय आपको पता ही है कहां पर फैला हुआ है। तो जो फोल्ड माउंटेन है वो कैसे बनता है, जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं, मतलब कन्वर्जन फोर्स इन टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सारे लिखो आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है ब्लॉक माउंटेन। कौन सा है, कभी आप लोगों ने ब्लॉक देखे हैं, क्या होते हैं रियल लाइफ में? वैसे ही ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, माउंटेन की बात नहीं कर रहा। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एक गड्ढा कोई भी चीज वैसे ही होता है ना, टुकड़ा टुकड़ा पार्ट, ठीक है। तो देखो ब्लॉक माउंटेन क्या है, कैसे बनता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। हो सकता है ये दो प्लेटें आपस में ऐसे चली जाए, जा सकती हैं ऐसे, तो अगर दो प्लेटें ऐसे जाएंगी तो बीच में क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में सपोज करो यहां पर गड्ढा हो गया ऐसे, तो यहां पर क्या बन जाता है, रिफ्ट वैली, घाटी बन जाती है। क्या बन जाती है, तो ये क्वेश्चन आता है कि रिफ्ट वैली कौन से माउंटेन के थ्रू बनता है, ब्लॉक माउंटेन के थ्रू बनता है। या हो सकता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे भी चली जाएं, हो सकती है ऐसी मूवमेंट। तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या है, दूर जा रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर या तो सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे या धसान बन जाएगा, वैली बन जाएगी, घाटी बन जाएगी, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि ये किसकी वजह से होता है, डाइवर्जेंस फोर्स इन टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेटों में अपसारी गति के कारण, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, वॉश गेज, माउंट ब्लैक, इसको आप लोग काला पर्वत मत लिखना, ठीक है, माउंट ब्लैक ही लिखना, सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, सतपुरा श्रेणी, विंध्या श्रेणी, ठीक है। तो ये जो वॉसगेज है ये फ्रांस में है, माउंट ब्लैक जो है जर्मनी में है, और ये दोनों जो है इंडिया में है। तो ये सारे के सारे जो माउंटेन है या रेंज है ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। आपको मैं बता दूं ये अपने आप ही जनरेट है नीचे जो है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और मिलियंस ऑफ इयर्स एगो जो है जितने भी कॉन्टिनेंट थे, कितने कॉन्टिनेंट है करंट में, 7 के 7 जो है साउथ पोल में मिले हुए थे आपस में, ठीक है। अगर आप जाकर वर्ल्ड का मैप देखोगे तो अगर आप उन्हें जोड़ने की कोशिश करोगे ना तो वो एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को जोड़ोगे ना तो उनके बीच जिगजैग फॉर्म ऐसे, जैसे इसको मैं तोड़ दूं तो इनके बीच क्या बन जाएगा, जिगजैग फॉर्म, ये जुड़ जाएंगे आपस में, ऐसे ही जिगजैग फॉर्म बने हुए सारे सके सारे कॉन्टिनेंट में, और वो सबके सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि मूवमेंट अभी भी हो रही है और कुछ मिलियन ईयर्स बाद जो है सारे के सारे नॉर्थ पोल में जुड़ जाएंगे आपस में जाकर। आपको पता है इंडिया का जो पेनिसुलर पार्ट है नीचे वाला, वो अफ्रीका के वहां जुड़ा हुआ था, ठीक है, और वो पूरे का पूरा वोल्केनो इरप्शन से बना है, ठीक है। वोल्केनो इरप्शन से क्यों बना है, क्योंकि जब वो वहां से गुजर रहा था ना ऊपर से अफ्रीका के वहां से, तो वहां पर वोल्केनो इरप्शन हुआ था रीयूनियन आइलैंड पे, तो इसकी चपेट में आ गया हमारा साउथ वाला पार्ट और वो भी क्या बन गया, वोल्केनो इरप्शन से बन गया। इसीलिए आप देखते हो कि सोना चांदी वगैरह जो है ना ज्यादातर कहाँ पाया जाता है इंडिया में, साउथ में, रीजन यही है क्योंकि जो भी सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सारे के सारे इग्नियस रॉक में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, और इग्नियस रॉक क्या होता है कि जब मैग्मा या लावा ठंडा होता है
तो उसमें ही बनता है ये। तो वोल्केनो इरप्शन में कौन आया, चपेट में, साउथ वाला पार्ट, इसलिए वहीं मिलते हैं सारे के सारे। तो ये बात समझ आ गई। तो मुझे बताओ वॉसगेज किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है। अब देखो क्या है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है इस अर्थ पर, ठीक है, सब टेम्परेरी है। हम लोग भी आए हैं टेम्परेरी, आए इस अर्थ पर, कुछ समय बाद सबको जाना है। तो अब क्या होगा कि आपने देखा है कि अर्थ पर विंड और वाटर बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप रिवर के पास चले जाओ और उसका फ्लो देखोगे तो आपको डर लग जाएगा। और उसी तरीके से अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से विंड चल रही है तब भी आप उड़ने लग जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, विंड और वाटर की वजह से विदरिंग प्रोसेस होता है। विदरिंग किस में होता है, रॉक्स में। एक क्वेश्चन आया था कि विदरिंग क्या है, अपक्षयन क्या है। तो अपक्षयन या विदरिंग का मतलब होता है वियर एंड टियर इन रॉक्स, चट्टानों में टूट फूट को क्या बोलते हैं, विदरिंग बोलते हैं। तो रेजिड्यूअल का मतलब ही होता है अवशिष्ट, रेजिड्यूअल माउंटेन। इस रेजिड्यूअल का मतलब ही क्या होता है, अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब होता है एक तरीके से मलवा। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मलवा। तो ये जो है, चाहे ब्लॉक माउंटेन हो या फोल्ड माउंटेन हो, ठीक है, उसमें जब विदरिंग प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से जो भी रॉक्स बनते हैं वो क्या जो भी माउंटेन बनते हो क्या बनेंगे। जैसे आप देखते हो कि राजस्थान है, राजस्थान में विंड चली तो रेत जो होता है एक प्लेस से दूसरी जगह पर इकट्ठा हो गया जाकर, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर तो बनता है ना। उसी तरीके से जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, अगर वो मर जाएं तो हो सकता है विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह उन्हें इकट्ठा कर दिया जाएगा, होगा ऐसा। ये प्लेन जो बना है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, ये कैसे बना होगा, सुना है कभी, सोचा है कभी कि ये बना कैसे होगा प्लेन? ऊपर से हिमालय की रिवर निकल रही है, वो रिवर धीरे धीरे रॉक्स को तोड़ रही है और तोड़ के नीचे लाके उसने बिछा दिया है, तो उससे प्लेन बन गया, समझ गए। तो ये किसका रिजल्ट होता है, विदरिंग का। तो इसमें जो माउंटेन बने, अब वो माउंटेन तो रहेंगे नहीं, ठीक है, जैसे इसमें क्या आएगा, अरावली हिल आएगा, क्या आएगा। तो आपको पता है अरावली हिल पहले माउंटेन था, ठीक है, और उसमें वियर एंड टियर हुआ, फिर वो बेचारा छोटा हो गया, तो अब क्या बन गया है, वो हिल बन गया है, पहाड़ी बन गई है। तो वर्ल्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट चट्टान का जो निर्माण है वह है, वो अरावली हिल है, सबसे ओल्डेस्ट रॉक से बना है, किससे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट भी माउंटेन में कौन सा होगा, अरावली होगा। उसके बाद आपने नाम सुना होगा नीलगिरी का, सुना है नाम, नीलगिरी कहां पर है, साउथ में, साउथ में कहां पर है, केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पर है, नीलगिरी है। उसके बाद आपने सुना होगा अन्नामलाई, सुना है नाम, अन्नामलाई हिल्स नीचे साउथ में ही है। तो ये सारे के सारे क्या है, रेजिड्यूअल माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और ये क्या है, ओल्डेस्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, लिखो रेजिड्यूअल माउंटेन में, एक लाइन लिख लो आप लोग, इट इज फॉर्म्ड बाय विदरिंग प्रोसेस इन माउंटेन्स बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। यह है पर्वतों में हवा पानी आदि के द्वारा अपक्षयन का परिणाम होती है। और विदरिंग मैंने बता दिया, वियर एंड टियर इन रॉक्स, और उसमें ये एग्जांपल लिख लेना आप लोग, आदि के द्वारा
अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। अरावली हिल्स कहां से कहां तक है, किसी को पता है? अरावली हिल कहां से कहां तक है? नहीं, ये गुजरात से लेके, गुजरात में थोड़ा सा पार्ट है, राजस्थान में मोस्ट ऑफ द पार्ट है, गुजरात से लेके दिल्ली तक है ये। उधर जाते हो ना मुखर्जी नगर की तरफ आगे, तो वहां पर वो जो है ना हिल्स वगैरह छोटे मोटे देखते हैं, वो अरावली का ही पार्ट है। जैसे वहां पर एक मजनू का टीला भी आता है, तो वो अरावली हिल्स का ही पार्ट है। तो प्लेटी को आप क्या कह सकते हो, इसका ऊपर वाला पार्ट कैसा होगा? फ्लैट होगा, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी होती है? 300 से 500 मीटर, ठीक है। ठीक है, ये कुछ मैंने प्लेट्यू के नाम लिखे हैं, तिब्बत प्लेट्यू, पामीर प्लेट्यू, पेनिसुलर प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो इसमें जो तिब्बत प्लेट्यू है ना, लार्जेस्ट प्लेट्यू इन दी वर्ल्ड है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पठार है ये जो तिब्बत है ना पूरा, वो प्लेट्यू एरिया है, पठारी इलाका है, ठीक है। पठारी मतलब ऊंचे तो उठे हुए हैं पर ऊपर से क्या है वो फ्लैट है। तो तिब्बत प्लेट्यू क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा पठार। उसके बाद पामीर पता है कहां पर है? ये इंडिया है। पामीर जो है तिब्बत प्लेट्यू का ही एक पार्ट है, ठीक है। और वो ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं? पामीर प्लेट्यू को बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत, दुनिया की छत, लिख लेना आप लोग ये, दुनिया की छत पामीर को कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल रहे हैं। पेनिनसुलर इसको हिंदी में बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है कि जो थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड हो, ये भी है, ये भी है, और यहां पर कौन सा है? आप इनके नाम बता सकते हो? यहां पर कौन सा सी है? अरेबियन सी है, यहाँ पर वे ऑफ बंगाल है। यहां पर कौन सा है? और यहां पर नीचे से इंडियन ओशियन। तो तीन साइड से ही क्या है? वाटर से सराउंडेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर। और ये एरिया पूरा जो है प्लेट्यू है, मैंने बताया था आपको। कहां से निकला है ये? अफ्रीका के यहां पर है ना, यहां पे मेडागास्कर है, यहां पर जुड़ा हुआ था ये वाला पार्ट, ठीक है। तो वोल्केनो से बना है, तो इसे क्या कहते हैं? प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? पठारों का पठार बोलते हैं। लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यू, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेट्यू है। इवन डेक्कन जो प्लेट्यू है वो इसी का पार्ट है, समझ रहे हो? डेक्कन जो प्लेट्यू है वो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू है, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज। और डेक्कन प्लेट्यू क्या है? लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पठार है ये।
और इस डेक्कन प्लेट्यू में ही ज्यादातर हमें क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं डेक्कन प्लेट्यू में? ज्यादातर हमें मेटल्स मिलते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो ये था आपका माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। और ध्यान रखना, जब आप लोग इंडिया का जियो फिजिकल फीचर पढ़ोगे, ठीक है, तो जियो फिजिकल फीचर में आप हिमालय के बारे में पूरा पढ़ोगे, आप प्लेन्स जो है उसके बारे में पूरा पढ़ोगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ोगे कि कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद आइलैंड के बारे में पढ़ोगे, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, डिटेल में, मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोल रहा, डिटेल में पढ़ोगे। तो जितने भी अभी मैंने बताए थे ना, वो सारे क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, ठीक है। और जियो फिजिकल फीचर से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में इसको ध्यान रखना कि जैसे अगर मैं मान लो हिमालय पढ़ाऊंगा, तो हिमालय में बता दूंगा कि ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, तो आपको ये मत पूछने की जरूरत ना पड़े कि फोल्ड माउंटेन होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये बेस तैयार करते हैं, आपको ये भी पता है कि सतपुड़ा वगैरह क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, अरावली क्या है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, सबसे पुराना है, तो वहां पर ये पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक है। डायरेक्टली इसमें किसकी बात की जाएगी, फैक्ट्स की बात की जाएगी। अब मुझे बताओ आप लोग कि मद्रास से सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को किसने चलाया था? सी राजगोपालाचारी, वेरी गुड। उसके बाद कितने किलोमीटर यात्रा की थी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में? 240 माइल, 240 माइल्स, ठीक है। उसके बाद कितने मेंबर डेलीगेट्स थे गांधी जी के साथ? 78 एक्सक्लूडिंग गांधी जी, और वैसे मिला के 79, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ कि बारदोली सत्याग्रह के बताओ लीडर कौन थे मेन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद ईयर बोल रहा हूं, बताना मुझे, 1893 कौन सा उत्सव? गणपति उत्सव। 1895 किसने चलाया इन दोनों को? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 दो इवेंट बताओ, और कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। 1907 सूरत सेशन, वेरी गुड। उसके बाद 1911 कौन से नंबर का? थर्ड, उस टाइम वाइस राय कौन थे? हार्डिंग। 1912 ठीक है। उसके बाद 1913 गदर पार्टी, उसके फाउंडर कौन थे? ठीक है। उसके बाद 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। उसके बाद 9 जैन 1915 गांधी जी इंडिया आ गए थे। क्या मनाया जाता है? और प्रवासी भारतीय दिवस पिछले साल कहां मनाया गया था? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। और इस साल? उसके बाद मुझे बताओ 1916 होम रूल मूवमेंट, और एक सेशन भी हुआ था लखनऊ सेशन, ठीक है। हिंदू मुस्लिम हारमनी इस्टेब्लिश करने वाला पर्सन दो थे, दो मोहम्मद अली जिन्ना और यही है, बस यही है, यही है, इसी को नाम दो बस। उसके बाद लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद 1917 चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में दो हुए थे, अहमदाबाद और खेड़ा। उसके बाद 1919 कितने इवेंट हुए थे? पहला जलियांवाला बाग, सेकंड जलियांवाला, ठीक है, थर्ड हंटर कमीशन, फोर्थ खिलाफत। उसके बाद 1920 कौन से सेशन में? हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कौन से सेशन में पास किया गया? चलो नहीं पता। उसके बाद इसे वापस कहां पर लिया गया, कब लिया गया वापस? चौरी चौरा इंसिडेंट,
ठीक है, उसके बाद 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी, उसके बाद 1924 में ठीक है बेलगांव सेशन, तो गांधी जी इसके क्या थे, बेलगांव सेशन के। सेकंड कोई ऐसा सेशन बताओ जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने हो कांग्रेस के, यही एक है ठीक है। उसके बाद 1925 में विठल भाई पटेल वाला याद करो, हाँ। उसके बाद 1927-28 ठीक है, उसके बाद 1928 नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद 1929-1930 सिविल डिसोबिडेंस, और 1930-31 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर 31 में, और इसको क्या बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट को, दिल्ली समझौता, दो महात्माओं का मिलन, किसने कहा है, सरोजनी नायडू ने, वेरी गुड। उसके बाद जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था कब हुआ, वो डेट पूछो ना, पूरा डेट चाहिए मुझे, 8 अगस्त 1942 47 42 तो अरेस्ट करके गांधी जी को, सरोजनी नायडू को कहाँ रखा गया था, आगा खान प्लेस में, और कौन सा आर चलाया गया था, जीरो आर चलाया गया था ठीक है। उसके बाद 1945 में क्या हुआ, विविल प्लान, कौन सा प्लान, और 1946 में, उसके बाद 3 जून 1947 डेट बोल रहा हूं मैं, माउंटबेटन प्लान या जून प्लान भी बोलते हैं हम लोग ठीक है। और इसके बाद लास्ट कौन सा बताया था मैंने, एक्ट, लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, इंडियन बोला है सिद्धार्थ गोपालाचार्य। और अगर पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, माउंटबेटन था ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है ठीक है, अब आप लोग बैठकर रिवाइज करो।